Hello everyone, I am back with another video. In this video, I am going to talk about KSET exam. We are solving mathematical and reasoning questions from paper 1. In this video, we are going to talk about 2018's paper 1. So let's begin. First question, A, B and C together can complete a piece of work in 10 days. All the three started working together and after 4 days, A left. Then B and C together completed the work in 10 more days. A alone can complete the work in. दोस्तों एक काम को तीन लोग मिलके 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तीनों मिलके काम को स्टार्ट किए, 4 डेज होने के बाद ये छोड़ के गए, जो रिमेनिंग काम है वो बी और सी मिलके और 10 दिन में कंप्लीट किए, तो वो काम ये कितना दिन में कंप्लीट करता है। तो हम इस तरह सॉल्व किए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 मींस तीन लोग ए बी सी एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे, तो उनका एक दिन का काम होता है 1/10। कोई भी सिंगल पर्सन हो या ग्रुप हो, एक काम को वन वर्क अगर n नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट करते हैं तो उनका एक दिन का काम होता है 1/n। तो उसी तरह इन तीनों का एक दिन का काम होता है 1/10। 4 डेज वर्क किए तीनों, तो उसके लिए 4 × 1/10 इज द वर्क कंप्लीटेड इन फर्स्ट 4 डेज। फर्स्ट 4 डेज में तीनों मिलके 4 × 1/10 काम कंप्लीट किए, तो रिमेनिंग काम क्या हुआ? अगर ये काम है हमारे पास, उसमें 4/10 काम कंप्लीट हुआ, तो रिमेनिंग काम होता है 6/10। ये काम बी और सी मिलके और 10 दिन में कंप्लीट किए, तो बी और सी का एक दिन का काम क्या होता है? यहां पर दिस इज द वर्क। अगर वन वर्क है तो एक दिन का काम होता है 1/n। अगर 6/10 पार्ट ऑफ वर्क है तो उनका एक दिन का काम होता है 6/10 होल 10। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 6/100 होता है। दिस इज अ वन डे वर्क ऑफ बी एंड सी। देन ए इज वन डे इज वर्क, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी मींस तीनों का एक दिन का काम में अगर दो लोगों का एक दिन का काम अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तो जो रिमेनिंग मिलता है वो ए का एक दिन का काम होता है। अगर ये हम सिंप्लीफाई करते हमें 1/25 मिलता है, राइट? तो ए का वन डे वर्क 1/25 है, तो रिवर्स ऑर्डर में ए कैन कंप्लीट वन वर्क इन 25 डेज। रिवर्स ऑर्डर में कोई भी एक पर्सन अगर एक काम को एन डेज में अगर कंप्लीट करते हैं तो वो उनका एक दिन का काम 1/n होता है। उसी तरह रिवर्स ऑर्डर में अगर एक दिन का काम 1/n होता है तो दे कैन कंप्लीट द वर्क इन एन नंबर ऑफ डेज। सो रिवर्स ऑर्डर में ये 25 डेज में वो काम को कंप्लीट करते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्लीट द सीरीज 132 182 306 380 552 870 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन नंबर सीरीज की क्वेश्चन है। हम इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो 132 है 11 × 12 बोल के लिख दिए, 182 है 13 × 14 बोल के लिख दिए, 306 17 × 18, 380 19 × 20, 552 23 × 24, 870 29 × 30। जो ये 11 13 17 19 23 29 है, दीज आर कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होता है विच कैन बी डिविजिबल बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ। तो ये प्राइम नंबर्स उसकी जो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू है उसके साथ में मल्टीप्लाई किए हुए हैं। सो डेफिनेटली नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 31, उसकी जो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू होता है 32 होता है, उसके साथ में अगर हम मल्टीप्लाई करते वी गेट 992। दिस इज अ नेक्स्ट नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ परचेज इज कोडेड एज PRHSEACU देन हाउ सुटेबल विल बी कोडेड। देखो, अगर कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन है, परचेज के अंदर जो अल्फाबेट्स है इस कोडेड वर्ड में भी वही अल्फाबेट्स है, अरेंजमेंट अलग अलग है, देखेंगे किस तरह की हम अरेंजमेंट किए। देखो पी है, पी की जगह पी लिखा गया है, देन यू जो है वो लास्ट लेटर बोल के लिखा गया है, आर यहाँ पर लेफ्ट से, सी राइट से, एच लेफ्ट से, मीन्स अल्टरनेटिवली अल्फाबेट्स लेफ्ट से राइट से स्टार्ट करके कोडेड वर्ड बनाया गया है, राइट? उसी तरह सुटेबल की जो अल्फाबेट्स है लेफ्ट से राइट से अल्टरनेटिवली, यस लेफ्ट से लेफ्ट साइड आना चाहिए, यू राइट साइड होना चाहिए, आई लेफ्ट,
टी राइट, ए लेफ्ट, इस तरह। तो अगर ये होता देन एस आई ए एल ई बी टी इज द कोडेड वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। एप्पल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ थ्री मेलॉन्स, द प्राइस ऑफ टू मेलॉन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल एंड फाइव ऑरेंजेस। If you have had just enough money to buy 30 oranges, then how many apples you would buy with the same amount? देखो, 7 apples की जो cost होता है, which is equals to 3 melons की cost. 7 apples की जो cost हो रहा है, वो 3 melons की cost का equal है. उसके साथ में, price of 2 melons, is equal to the cost of an apple, one apple, and five oranges. इसकी बराबर है। अगर हमारे पास 30 ऑरेंज करने के लिए अगर पैसा है, तो उसी अमाउंट से कितना एप्पल्स हम परचेज कर सकते हैं? देखेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 apples equals to 3 melons. 2 melons equals to 1 apple plus 5 oranges. ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, m equals to 1 by 2 apple plus 5 by 2 oranges. ये जो m की वैल्यू है, इसमें हम पुट करेंगे, तो ये होता है 3 by 2 a plus 15 by 2 o. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मिलता है, हमारे पास 30 ऑरेंज करने के लिए पैसे है, यानी कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी डबल होगा, 22 apples होता है, 30 oranges equals to 22 apples, so 22 apples हम purchase कर सकते हैं। So इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो please like और share करना, if you have not subscribed my channel, please subscribe, thank you.